Smoking is injurious to health. It causes cancer. Dhumrapan sehat ke liye hanikarak hai. Dhumrapan se kark rog hota hai. रोमन आज भी लेट किया है। सुखी आदमी है ना, तो और क्या करेगा? हो गया। रोमन की ट्रेन आज भी मिस हो गई यार। टाइमिंग है भाई, पूरा मियादाद लास्ट बॉल पे 6 मारा। बुढ़ापे में कमाल का खेल दिखाता यार। क्या रे, थोड़ा पहले नहीं निकल सकता था? बैठ। अरे पहले आएगा कैसे? सारा रात अगर ड्यूटी करेगा तो आएगा कैसे सुबह? पूरी रात ड्यूटी इस उम्र में? अरे बैटिंग करने के लिए उम्र नहीं लगती, सिर्फ एक बॉल लगता है बस। एक ज्यादा मुंह मत दिखाना, दांत खोलकर ना पिछवाड़ा में लगा देगा, तब देखोगे पिछवाड़े भी हंस रहा है। सही बोला भाई, जिसकी फटती है ना वही समझता है। मेरा और फटने का कुछ नहीं है, मेरा पहले से फटके खुला दरवाजा हो गया है। ये हुई ना बात, पूरा डायलॉग का डायनामाइट। अरे तेरे डायलॉग पे ही तो मरते हैं हम गुरु। मुझे इतना प्यार करने का जरूरत नहीं है, मसाला गे नहीं हूँ। प्यार करने के लिए मेरे घर में बीबी है। अरे पगला खाएगा क्या, देखने से ही निकल जाएगा। क्या बात है, बोल तो रमन, आज तो इतना गुस्से में क्यों है? कुछ हुआ जरूर, आज तुझे भाभी से झाड़ मिला है। अरे बाबा कोई झाड़ वाड़ नहीं खाया, वो थोबड़ा देख के साला दिमाग गर्म है। किसका? तेरा साला। रोज सोचता हूँ भगवान का नाम लेकर आया, आज का दिन ट्रेन में अच्छा जाएगा, लेकिन इन लोगों का संगत में हर रोज मेरा मुँह से गलत कुछ निकल जाता है। अरे चल चल चल, मन हल्का करने के लिए एक राउंड ताश खेल लेते हैं। ले राजू पत्ते बाट। राजू ध्यान रखना, बाट कर बंदा धर मत करना। अरे बाबा ये राजू अब वो पहले वाला राजू नहीं रहा, इसके घर में बहू और बाहर मऊ, ऐसी फील्डिंग लगा रखी है एक कैच भी मिस नहीं होने वाला। मऊ मतलब वो अकाउंट्स में जो लड़की है उसकी बात कर रहे हो? अरे भाई उसे लड़की बोल के लड़कियों का अपमान मत करो, बोलो उसे महिला। कितना ट्रक और टैंकर घुस गया अंदर, उसमें तेरा क्या फट रहा है साला? तेरा क्या हुआ है, लग रहा है कि तेरा भी बहुत कुछ खो गया है। ना भाई मुझे ये मौका मिला कहा, ढूंढना पड़ता है। जाओ भाई जाओ, खुला ही तो है, पैसा फेंको तेल लगवाओ। जाओ एकदम रगड़ के लगा देगी। अरे रुक रुक रुक, उतना दूर जाने का जरूरत ही नहीं है, बस एक फोन करने से ही होगा। उसके बाद जहां जाने के लिए बोलेगी वहां जाके अपना तेल लगाने से ही हो जाएगा। मतलब? अरे उधर ऊपर ध्यान से देख। जयंत सुनहरा मौका है, तू बोलता है तो एक बार फोन करे। अरे बाप रे बाप, इसका मुंह देखो, शर्म से लाल हो गया है। क्या बात है रमन, अचानक इतना सीरियस क्यों हो गया? लगता है
इसको तू पहचानता है? केस कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब थोड़ा खुल के बता ना भाई। असल में कुछ साल पहले तब मेरा शादी नहीं हुई, मैं नया कंपनी में ज्वाइन किया है और ज्वाइन तो तब एक टेलीकॉम कंपनी में सेल्स में था। तब हम लोग एक साथ ट्रेन में जाते थे, वैसे लड़की लोग को देख के दिल में खुजली होता था। उसके बीच दो एक बार हम लोग रेड लाइट एरिया में घूमकर भी आए। ऐसे वक्त पर अचानक एक दिन ट्रेन के दीवार पर ऐसा एक कॉल गर्ल की फोन नंबर देख के दिल के अंदर एक चाहत जाग उठी। सोच लिया जब ऑफिस से वापस आऊंगा उस नंबर पे फोन लगाकर लड़की के साथ टाइम पास करेंगे, अगर सही कुछ लगा तो डेटिंग में चलेंगे। किसी ट्रैप में तो नहीं फंसेंगे? ट्रैप मतलब? चारों तरफ जैसे सेक्स रैकेट का धंधा चल रहा है, लड़की ने कहीं फंसा दिया तो? इतना सोच क्यों रहे हैं? मेरे पास एक फॉल्स प्रेस कार्ड है ना, सुन अगर ज्यादा झमेला हुआ ना तो ठीक मैनेज करके निकल जाएंगे। लेकिन एक बात मुझे बड़ी खटक रही है। क्या बोल? तो फोन पे उसकी आवाज सुन के लगा कि वो कोई मैच्योर्ड लेडी है और पहली बात में उसने एड्रेस दे दिया, ना कोई रेट की बात हुई ना कोई बार्गेनिंग। इसका मतलब मम्मी लड़की दोनों ही लाइन के हैं, पक्का दो नंबर ही है। सुन 500 रुपया के अंदर माल्टो को राजी करवाना पड़ेगा, ज्यादा नहीं देंगे। 10 साल है। अरे ये तो भद्रा आदमी का घर है, केस खाने से एक भी झपड़ा बाहर नहीं गिरेंगे। ऐसे धंधे में पता है ना इसी तरह के घर सेफ होते हैं, किसी को शक भी नहीं होगा, लगेगा कोई रिलेटिव आया है। मेरा यार डर लग रहा है यार, मैं जा रहा हूँ। रुक ना, तू टेंशन क्यों कर रहा है, मैं हूँ ना। इसी का तो डर है। क्या बोला? नहीं चल चल, बोले के चल, चल, यार। चल। कल फोन किया था मैंने, शायद आप ही से बात हुई थी। हमें अपना वो कस्टमर भी समझ सकती हैं आप? आइए अंदर आइए। चल बैठी। अच्छा मेरी बेटी का नंबर आपको ट्रेन से ही मिला है? हाँ। आप जरा बैठिए,
मैं आती हूँ। देखा, मम्मी लड़की दोनों मिलके धंधा कर रही है। पर जो ही बोल, माल है झक्कास। क्या फिगर है भाई, इतना मजा देगी ना यार। मम्मी भी देखने में खराब नहीं है। तो फिर यार, यहाँ तक आना सार्थक हुआ ना। फुल मस्ती करेंगे मामा, बैठ जा। रितिका सामंतो नाम में एक 24 साल की लड़की कल सीलिंग फैन से गले में एक ओढ़ना की फंदा डालकर गले में फांस लगाकर सुसाइड की है। रितिका सामंत, मेरी बेटी, लगभग 2 साल हुआ है उसका देहांत हुआ है। पता है, वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, घर पर ट्यूशंस भी देती थी। बहुत सभ्य और शांत स्वभाव की लड़की थी। उसका भैया बाहर काम करता था और इसीलिए फोन खरीदा था वो। लेकिन पता नहीं कैसे क्या हो गया, कुछ लोगों ने ट्रेन के अलग अलग कंपार्टमेंट में उसका नाम और नंबर लिख दिया था। और तभी से ही रोज उसको कॉल आता था, उसका रेट पूछते थे वो लोग, और गंदी गंदी बातें करते थे। और इसके बाद से ही मेरी बेटी बहुत डर गई थी, बाहर जाने से भी डरती थी। पुलिस थाने भी गए थे हम, उन्होंने कोई मदद नहीं की। घर के लोगों को भी बोला था, सब मजाक उड़ाते थे, हंसते थे हम पे। और फिर एक दिन मैं और उसके पापा एक अनुष्ठान में गए थे हम दोनों। उससे भी कहा था लेकिन वो जाना नहीं चाहिए। उसके बाद हम अनुष्ठान से घर वापस आके देखे, मेरे बेटे से पहले एक सफेद कागज में लिखे गई थी, माँ मैं गंदी लड़की नहीं हूँ, माँ मैं गंदी लड़की नहीं हूँ। फिर इस हादसे के बाद उसके पापा भी बीमार हो गए और 7 दिन बाद वो भी गुजर गए। मेरी बेटी नहीं रही, अब आप शांति दीजिए हम लोगों को, आप हमें शांति दीजिए, आप रुक जाइए। बच्ची, मेरी बच्ची, तूने ऐसा क्यों किया, क्यों किया? रितिका, मेरी बच्चियाँ।
तुम लोग बहुत बेकार आदमी हैं। ऐसा बात करते हो कि किसी भी इंसान का पूरा दिन ही खराब हो जाता है। इसीलिए तो अगर ट्रेन से कहीं जाते हैं तब अगर इस जैसा कोई पोस्टर देखता हूँ तो मिटा देने की कोशिश करते हैं।